ये मारगला तो नहीं या आबशार कोई कश्मीर की? दामन कोहे काफ का या फिर सफेदी कोहसार की? विजिबिलिटी हो रही है कम, चलो देखते हैं। आज साहब आज क्या प्लान है, इनक्रेडिबल पाकिस्तान टीम कहाँ जा रही है? ओह यस, इनक्रेडिबल पाकिस्तान टीम को खबर मिली है मरी शरीफ जो है वो इधर तशरीफ लाई है। स्वीट एंड बेकर्स बनाफिस जी, यहाँ पे बहुत बेहतरीन समोसे मिलते हैं और ये भी एक इनक्रेडिबल समोसा है हमारा। अच्छा, तो आप लोग आज खिलाते हैं, आप देखिए। यलगार जगह आपको नजर नहीं आ रही ना, हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, जो नजर नहीं आ रही, जो हवा में है, हम उसको देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे कोई जगह है तो वो कहाँ गई है आज। मौसम अच्छा है वैसे, आज जोरी है और मौसम है बड़ा बेईमान। ये हम उससे त्रपी नाला से गुजर रहे हैं। ये त्रपी नाला जो नया बना है उसकी पर ब्रिज बड़ा जबरदस्त था, पिछली गवर्नमेंट में काम शुरू हुआ था, इस गवर्नमेंट में आके मुकम्मल हुआ है। साथ में माल्टा आप मुझे जरूर दें, मैं खाना चाहूँगा। सर का डोबमियानी वाला साइड नियर नम्मल, और आप देख सकते हैं कि ये भी इसी पाकिस्तान में है जिसका लोगों को नहीं पता है। इनक्रेडिबल पाकिस्तान की इनक्रेडिबल टीम के साथ सॉल्ट रेंज सिलसिला कोहिस्तान नमक कालाबाग से शुरू होता हुआ दीना जेहलम में खत्म होता है। इस तवील पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरत और बुलंद तरीन चोटियाँ कलर कहार और सकेसर हैं, जबकि सकेसर इस पूरे पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी मानी जाती है, जिसकी बुलंदी 1522 मीटर है। यह सबसे ज़्यादा ठंडी चोटी है और बाज़ औक़ात यहाँ बर्फबारी भी होती है। सर्दी सफ़र जारी है, शौक तारी है, सर्दी भी करारी है। ओहे ओहे ओहे।
है जन्नत, टुकड़ा मेरी जमीन का भी आया है वहीं से। गौसिया आलिया, जिससे ये जाहिर होता है कि बुजुर्गों के नाम से शायद कोई वाकिफ नहीं है। पहाड़ों पे बुजुर्गों की मौजूदगी बड़ी ही मानी जाती है। मामाज किचन ने आज जी हमें क्या दिया है, ताजा केक रस। उसके बाद है हमारे पास बिसनोर। ओहो, जबरदस्त। इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे मुझे लगता है। पर बिसनोर बेसिकली हलवे की एक वो फॉर्म है जिसके अंदर मक्खन डाला जाता है। अच्छा, हाँ जी। और कहते हैं कि मक्खन गर्म करते हैं घी बनाने के लिए, तो साथ में सूजी डाल के हलवा बना लिया। प्लस हमारे पास घुट, जिसे आप सूजी की टिक्की कह सकते हैं। ये सकेसर है, वादी सून और वादी नमल के सर का ताज। ये है अरसलान, कबीर और बेहतरीन मौसम। ये हमारी इनक्रेडिबल पाकिस्तान की गाड़ी। सकेसर का अपना फसों है, काहू के पेड़ों में चश्मे आहू का सुंदरपन और फुलाही के दरख्तों में अरूही हुस्न का अक्स है। अहमद अदीम कासमी के शाहकार अफसाने रईस खाना की रुईदगी भी सकेसर की पथरीली पगडंडियों पर हुई थी। मैं डांस नहीं कर रहा, मुझे सर्दी लगी हुई है। क्या फीलिंग हो, बंदा गुजर और बाहर चाय पकड़ी और ऐसा मौसम हो, तरसी हुई निगाहों से अगर देखे। अगर हम नहीं पका रहे होते और ऐसे कोई बंदा पका रहा होता, हम बिल्कुल नहीं देखते, हम खड़े होके बिशर्मो की तरह मांग लेते। चाय न देते तो हम कहते यार आग ही सेक दे। ऐसा है कि विजिबिलिटी हो रही है कम, ये शायद 15 मीटर से ज्यादा भी नहीं है। देखें आपको गाड़ी भी अचानक से नजर आ गई है, और ये चूंकि पहाड़ी है, वक्त भी शाम का हो रहा है, तो स्नोफॉल तो शायद अभी काफ़ी ऊपर है और वो है भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, लेकिन हम जो देखने आए थे वो हमें नज़र आ गया है। और वेदर हमने बहुत इंजॉय किया है। ये किसी वक्त हम आपको इसका क्लीन एक मंज़र भी दिखाएंगे जब पहाड़ी बहुत दूर से नज़र आती है। और जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि आज पहाड़ी गायब हो गई है, तो हमने आके तस्दीक कर ली है। बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, बस आप समझ लें कि स्नो जो है ना वो फाल हो गई है, तो अब हम इससे पहले के फाल हो जाए वापस चले, फिर किसी वक्त जा सकते हैं। चूंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा आगे जो है ना, ये डार्क है फोग और फिर है भी पहाड़ी, और ये चूंकि इतनी फेमस टूरिस्ट प्लेस है नहीं, यहाँ पे कोई सफरी सहूलतें भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी चले जाए। असलान कुछ कहना है? आप तो बिल्कुल जो है ना ग्लेशियर वाले मूड में आए। बहुत मजा आया सर, मैं तो स्नोफॉल वाले पूरे उस मतलब मूड में आया कि स्नोफॉल में हो गया और सारा ना। अच्छा, लेकिन अभी हम चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा फॉग है तो हम वापस जा रहे हैं।